दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शिव लाहबादी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास नाइन्थ की बिहाइव की पोयम रेन ऑन द रूफ, मतलब छत पर वर्षा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेन ऑन द रूफ, मतलब छत पर वर्षा। इसमें क्या हो रहा है और रूफ में जब वर्षा होती है तो कैसा महसूस होता है, क्या चीज़ें होती हैं और कवि जो है वो कैसा महसूस करता है, उन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं इस पोयम में। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, जब द स्काई इज कवर्ड, आसमान घिरा होता है विद डार्क क्लाउड्स, काले बादलों से, जब आसमान में काले बादल घिर जाते हैं, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और वर्षा होना शुरू हो जाती है। तो आगे कह रहा है कवि कि हैव यू एवर लिसेंट, क्या तुमने कभी सुना है टू द पैटर, पटपट की आवाज़ को, ऑफ सॉफ्ट रेन, जो सॉफ्ट रेन होती है, कोमल वर्षा होती है, धीरे धीरे पानी जो बरस रहा होता है, उस पानी के बरसने की जो पटपट की आवाज होती है, क्या तुमने कभी सुना है ऑन द रूफ, मीन छत पर। व्हाट थॉट, क्या विचार या कैसा विचार फ्लैश थ्रू योर माइंड, फ्लैश थ्रू कौंधा योर माइंड, तुम्हारे मस्तिष्क में जब तुमने उस पटपट की आवाज को सुना तो तुम्हारे मस्तिष्क में कैसा विचार, कौंधा कैसा विचार आया। एज यू हर्ड, जैसे तुमने सुना दिस मेलोडी, इस मेलोडी को, जब तुमने इस प्रेम भरी आवाज़ को सुना, इस मेलोडी को सुना, ऑफ नेचर, नेचर मीन्स प्रकृति की, जब तुमने प्रकृति की इस मधुरता को सुना, इस मिठास को सुना, तो तुम्हारे मस्तिष्क में किस तरह का विचार आया। रीड द पोयम, कविता को पढ़ो, टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए, व्हाट द पोएट ड्रीम्ड, पोएट क्या सपना देखता था, ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन, जब वो बरसात को सुन रहा होता था। इस पोयम को पढ़ो और देखो कि जब कभी बरसात को सुन रहा होता था, वर्षा की इस मेलोडी को सुन रहा होता था, नेचर की इस मेलोडी को सुन रहा होता था, तो उसको कैसा महसूस होता था या उसके दिमाग में कैसा विचार आता था, उसको कैसे सपने आते थे। फ्रेंड्स, आगे क्या कहा जा रहा है, देखिए पहला स्टेंजा कहा जा रहा है, व्हेन द ह्यूमिड शैडो हावर, व्हेन मीन्स जब द ह्यूमिड शैडो, ह्यूमिड मीन्स होता है नम, शैडोज परछाइयाँ, हावर मीन्स मंडराती हैं, जब नम परछाइयाँ मंडराती हैं, ओवर ऑल द स्टेरिस्फीयर्स, ओवर मीन्स ऊपर, आल सभी स्टेरिस्फीयर्स, स्टेरी मीन्स होता है तारों भरे स्फीयर, आसमान में, तारों भरे आसमान में, जब नमी भरी छाया क्या करती है, हावर मीन्स मंडराती है, एंड और द मेलंकली, मेलंकली मीन्स होता है उदासी भरी, डार्कनेस, डार्कनेस मीन्स अंधेरा, और जब उदासी भरा अंधेरा जेंटली वीप्स, धीरे धीरे रोता है, अर्थात बारिश होती है, इन रेनी टीयर्स, रेनी मीन्स बरसात के टीयर्स मीन्स आंसुओं के रूप में, और बरसात के आंसुओं के रूप में जो मेलंकली डार्कनेस है, उदासी भरी जो अंधकार की रात है, वो क्या करती है, वो रोती है, बरसात के रूप में रोती है। तो व्हाट अ ब्लिस, कितना मज़ा आता है, तो प्रेस मीन्स दबाने में, द पिलो मीन्स तकिया को, तकिया को दबाने में कितना मज़ा आता है, ऑफ अ कॉटेज, एक कॉटेज मीन्स होता है जो कॉटेज को हिंदी में जैसे कुटिया बोलते हैं ना, तो यहाँ पर कुटिया भी आप कह सकते हो, यहाँ पर आप कमरा भी कह सकते हो, उसको आप जो भी अपने शब्दों में कहना चाहो, तो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर, एक कमरे के बेड मीन्स बेड में, जब आप एक कमरे के बेड में लेटे हुए हो, जब आप कुटिया के एक चैम्बर में बेड में लेटे हुए हो, तो उस टाइम पे जब बरसात हो रही हो, पटपट की आवाज़ आ रही हो, तो तकिए को दबाना कितना अच्छा लगता है, एंड लाई और लेटे रहना, लिसनिंग सुनते हुए, टू द पैटर पटपट की आवाज़ को, ऑफ द सॉफ्ट रेन, उस कोमल वर्षा के, ओवर हेड अपने ऊपर, और अपने ऊपर उस कोमल वर्षा की आवाज़ को सुनते रहना, कितना अच्छा लगता है और कितना मज़ा आता है, ऐसा कभी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, एवरी टिंकल, हर आवाज़ ऑन द सिंगल्स, सिंगल्स पर, अर्थात जो पत्थर होता है या जो छत पर कंकड़ पत्थर जैसे आवाज़ आती है, तो एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, सिंगल्स पर हर जो टिंकल की आवाज़ आती है, खन खन की आवाज़ आती है, जो पटपट की आवाज़ आती है, हैज़ एन इको, उसकी एक प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है इन द हार्ट, हृदय में, मतलब जैसे ही मैं उन आवाज़ों को सुनता हूँ तो मेरे हृदय में एक प्रतिध्वनि पैदा होती है, मेरा हृदय जो है वो गुंजायमान हो जाता है, बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है, एंड और अ थाउजेंड, हजारों ड्रीमी फैंसीज, जो ड्रीमी फैंसीज हैं, स्वप्निल जो यादें हैं, इनटू बिजी बीइंग,
इस बिजी बींग में, बिजी बींग क्या होता है, व्यस्त मन में स्टार्ट पैदा हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं, और हजारों तरह की स्वप्निल यादें जो हैं वो दिमाग में या इस जो व्यस्त मन है उसमें आने लगती हैं, एंड और अ थाउजेंड रिकलेक्शंस, और हजारों रिकलेक्शंस मीन्स यादें वे बुनने लगती हैं, देयर एयर थ्रेड, अपने एयर मीन्स हवाई थ्रेड मीन्स धागों को, इन टू वूफ, वूफ मीन्स ताने बाने के रूप में हवा में ही वो इन तानों बानों को बुनना शुरू कर देती हैं, आर अथवा सॉरी एज आई लिसन टू द पैटर, एज जैसे ही आई लिसन मैं सुनता हूँ टू द पैटर, उस पटपटाहट को, पटपट की आवाज़ को, ऑफ द रेन, बरसात की, अपान द रूफ, छत के ऊपर, जब मैं छत के ऊपर बरसात की उस पटपट की आवाज़ को सुनता हूँ तो हजारों तरह की यादें मेरे दिमाग में आती हैं और वो हवाई ताने बाने बुनना शुरू कर देती हैं। नाउ अब इन मेमरी, और जब कभी को ऐसा महसूस होता है, जब कभी ऐसे सुन रहा होता है और वो ऐसे रेन की आवाज़ को सुनता हुआ सो रहा होता है, तो फिर आगे क्या होता है, कहता है कि नाउ मीन्स अब, मतलब ऐसे सुनते सुनते इन मेमोरी, मेमोरी मीन्स याद में, कम्स माई मदर, मेरी माँ आती है, मतलब जब वो चीज़ों को सुन रहा होता है, जब वो इन यादों को, जब वो इन पटपटाहट की आवाज़ को सुन रहा होता है तो फिर उसको उसकी माँ की याद आती है, और कह रहा है कि इन मेमोरी, याद में, कम्स माई मदर, मेरी माँ आती है, एज सी यूज, जैसे कि वो आया करती थी, इन ईयर्स एगॉन मीन्स वर्षों पहले, जैसे वो वर्षों पहले आया करती थी वैसे ही मेरी माँ यादों में आती है, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, रिगार्ड करने द डार्लिंग ड्रीमर्स, अपने प्रिय स्वप्न देखने वालों को, अर शी लेफ्ट, और अर मीन्स पहले ही, सी लेफ्ट वह छोड़ जाती है, देम मीन्स उन्हें, टिल द डॉन, डॉन मीन्स होता है सुबह होने से पहले, रात में आती है, स्वप्न में आती है और उसके बाद सुबह होने से पहले ही छोड़ के चली जाती है, मतलब जब कभी की आँख खुलती है उसके पहले माँ जा चुकी होती है। ओ अरे आई फील, मैं महसूस करता हूँ, हर फॉन्ड लुक ऑन मी, हर मीन्स उसकी फॉन्ड लुक, फॉन्ड लुक क्या होता है, प्रेम भरी जो नज़र है ऑन मी अपने ऊपर, अरे मैं उसकी प्रेम भरी नज़र अपने ऊपर महसूस करता हूँ, एज आई लिस्ट, जब मैं सुनता हूँ टू दिस रिफ्रेन, इस रिफ्रेन को, अर्थात जब मैं इन आवाज़ों को सुनता हूँ, इस पटपट की आवाज़ को सुनता हूँ, विच इज़ प्लेड, जो कि प्ले की जाती है, खेली जाती है अपॉन द सिंगल्स, सिंगल्स के ऊपर, जो सिंगल्स के ऊपर खेली जाती है, जब मैं उनको सुनता हूँ तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि मेरी माँ की जो प्रेम भरी नज़र मुझ पर पड़ रही है, बाई द पैटर, क्या, बाई द पैटर मीन्स पटपटाहट के आवाज़ से, अब द रेन, बरसात की, जब मैं बरसात की उस पटपटाहट की आवाज़ को सुनता हूँ तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि मेरी माँ की जो प्रेम भरी नज़र है वो मेरे ऊपर पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो पोयम है इसको लिखा है कोर्स्किनी ने, और ये जो पोयम है रेन के विषय में है, बरसात के विषय में है, कि बरसात की जो आवाज़ होती है वो कैसी लगती है, कभी कैसा महसूस करता है, और कभी पूछता है कि आपने कैसा महसूस किया जब आपने बरसात को अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए सुना, आप सो लेटे हुए थे और ऊपर से बरसात की जो पटपट की आवाज़ है वो आपको सुनाई पड़ रही थी, तो आपको कैसा महसूस हुआ। तो फ्रेंड्स, जैसा भी हो, आपको कविता कैसी लगी, आपको ये कैसे समझ में आई, हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी जो फ्रेंड्स हैं उन तक भी शेयर कीजिएगा। इस काम में, चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में या किसी तक शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपका यह सहयोग हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है, या ये कहें कि हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने में और हमारे आपके साथ को लंबे समय तक रखने के लिए बड़ा ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा हो कि हाँ हमें हेल्प करनी चाहिए और हमारा साथ लंबे समय तक चले, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, और चैनल जैसा कि मैंने कहा कि सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए। मिलता हूँ फिर से ऐसे ही चैप्टर के साथ, ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।